उसकर न गए प्रयाग नहीं गए सुख शास्त्र कथायाश भले न समताम नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन ली है तो गया पुष्कर काशी हरिद्वार रहने पर जितना फल प्राप्त होता है भागवत की कथा में उपस्थिति दर्ज कराने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमाएं सुख शास्त्र कथायाश। श्लोकार्धम श्लोक पादम। पूछा नारद जी ने तो कितनी कथा सुने सो पुष्कर का फल मिलेगा। नारद जी ने कहा आपने कहा कि भागवत सुन लो पुष्कर गया जी सब तीर्थ हो जाते हैं, तो ये तो बताओ 10 साल सुनना पड़ेगा कि 20 साल सुनना पड़ेगा कि जब तक जिंदे रहेंगे तब तक सुनना पड़ेगा, कितना सुनने पर ये फल मिलेगा। तो सनत कुमार के श्लोकार्धम एक श्लोक आधा श्लोक चौथाई श्लोक सातों दिन यदि नित्य सुन लेते हैं तो बड़ा स्वमुखी नई विधि शशि पराम गतिम। जिसने भगवान की कथा सुनी है सनत कुमार कहते हैं कि 100% मृत्यु के समय पर उसके मुख से हरि का नाम जरूर निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा। और मरते समय भगवान का नाम निकल जाए तो जीव का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कल मैं जयपुर एक परिवार में था, मैया की उम्र होगी 85-90 साल, व्हील चेयर पर बैठी थी। उनकी बहू बहन नैना देवी, नाम भी बड़ा प्यारा है, बोलती है महाराज जी 18 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं निकला कि हमारी सासू माँ ने कथा ना सुनी हो। बिल्कुल वृद्ध है, कथा पूरी सुनी है। इस देश में बहुत बूढ़ी माताएं वो कथा के सहारे अभी तक जीवित हैं, नहीं तो पहले ही चली गई होती। कथा उनके लिए लाठी बन करके खड़ी है। वो बोर हो रही थी लेकिन 9:30 बजे से पहले वो टीवी खोल करके बैठ जाती हैं। वो बच्चों में भी बड़ा सुधार है, 1 बजे के बाद वो मोबाइल, अम्मा जी दादी माँ अब ये सुन लो, ये बताती हैं मुझे माता। तो कथा जीवन कथा व्यथा को काटेगी, मृत्यु अंत में नाचेगी। किसी आरती में हमने पंक्तियाँ बनाई थी, कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। तो पूछा गया कितनी समय तक कथा सुने, कहा एकाध आधा श्लोक भी यदि रोज सुना गया है तो ये तक यदि क्षसी पराम गतिम, वही एकाध श्लोक मृत्यु के समय पर भगवान का नाम हृदय से उच्चारण करा देगा। यदि ऐसा हो गया तो जीव का उद्धार आत्मकल्याण हो जाएगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर वच। बहुत लंबी संख्या में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने से जो पुण्य मिलता है, थोड़ी सी भागवत की कथा सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च। सालराम भगवान पर तुलसी चढ़ाने से और वसंत में शंकर जी का अभिषेक करने से, वसंत ऋतु में शिवरात्रि पड़ती है तो वसंत ऋतु में भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करने से और पुरुषोत्तम एवच अधिक मास में दान पुण्य करने से जितना फल प्राप्त होता है, आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे इतनी देर के लिए भागवत की कथा सुनने को मिल जावे उतने फल की प्राप्ति हो जाती। ताली मत बजाना नजर लग जाएगी।